आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर सर्व आदिवासी समाज द्वारा राजगढ़ सरदारपुर नगर में आदिवासी संस्कृति बचाओ भव्य महारैली निकाली गई, जिसमें ढोल मांदल की शानदार प्रस्तुति रही। रैली प्रारंभ सुबह राजगढ़ कुक्षी नाका से हुई, समापन सरदारपुर बस स्टैंड पर किया गया। आदिवासी समाज जन माथे पर साफा एवं धोती पहनकर विश्व आदिवासी दिवस बड़ी धूमधाम से मनाते दिखे। सरदारपुर बस स्टैंड पर आयोजित सभा में वक्ताओं ने समाज की संस्कृति रीति रिवाज बचाने एवं समाज में फैली कुरीतियां खत्म करने का निर्णय लिया। साथ ही जल जंगल जमीन पेड़ पौधे पर्यावरण बचाने का संदेश पूरे जोर से दिया गया। और कौन सी भी सरकार आती है तो आदिवासी को संरक्षण नहीं दे पाती। आज भी गाँव में आदिवासी समाज की हालत बहुत ही खराब हो चुकी। बीजेपी कांग्रेस के आदिवासी विधायक सांसद सदन में बोलते नहीं, उक्त बातें वक्ताओं ने कही। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज जन शामिल रहे। बाहर से पधारे रहे भीम आर्मी पूर्वी प्रदेश प्रभारी सुनील अस्ते, विनोद यादव इंदौर जिलाध्यक्ष भीम आर्मी, आभार सरदारपुर जयस तहसील अध्यक्ष राजेंद्र सिंह गावण ने माना। सरदारपुर से विक्रम सिंह चावड़ा की रिपोर्ट। आज सरदारपुर क्षेत्र में ये जो कार्यक्रम हुआ है, किस उपलक्ष्य में और क्या आपकी योजना? देवी माता सभी को नमस्कार। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस हमने सरदारपुर और राजगढ़ नगर में बड़ी धूमधाम से मनाया। इसमें आदिवासी संस्कृति बचाओ, पेड़ पौधे जंगल जमीन पर्यावरण बचाओ, इसका संदेश दिया। इसी बीच हमारे भीम आर्मी के प्रदेश प्रभारी सुनील अस्ते भैया और इंदौर भीम आर्मी जिला अध्यक्ष विनोद यादव जी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता समाजजन शामिल रहे और बड़ी उत्साह के साथ संस्कृति का झलक दिखाते हुए ये विश्व आदिवासी दिवस हमने मनाया और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पधारे। आपका नाम और पद? राजेंद्र सिंह गामर, जयेश तहसील अध्यक्ष सरदारपुर, जिला धार, मध्य प्रदेश। जैसा कि आज सरदारपुर में एक कार्यक्रम बड़ी शांतिपूर्वक सफल रहा है, इसमें आपका दो शब्द कुछ? ये विश्व आदिवासी दिवस पूरे विश्व के आप सोच सकते हैं कि सरकार द्वारा सरकारी अवकाश घोषित है, लेकिन इस बार भाजपा और आरएसएस ने मिलकर इस आदिवासी दिवस के जो अवकाश को खत्म करने का, कहीं ना कहीं ये लगता है कि इन्हें अब डर हो गया है कि आदिवासी दलित ओबीसी अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो, इसलिए ये अब उनके उत्सव को रोकने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि आप चाहे लाख कोशिश कर लें, पहले से कर लें, हमारे महापुरुषों ने जब काटे मामा बिरसा मुंडा बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने इन्हें अपमान सहकर भी समाज को आगे बढ़ाया, तो हम तो हमारे संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अब इसके लिए चाहे हमें जेल जाना पड़े, मुकदमे भी झेलना पड़े या फांसी पर लटकना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन समाज के मान सम्मान के साथ भी पूर्णता करने वाले नहीं। आज सरदारपुर आया, काफी अच्छा लगा सरदारपुर में। सरदारपुर से कैसे जाता है, आज युवा, आज का जो युवा है वो मान चुका है, ठान चुका है कि अब किसी के बेकाव में नहीं आना है। जो हमारे जो हक अधिकार उन्हीं के साथ हमें काम करना, तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के जो प्रशासन है उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को नोटिस देने का काम किया, कहा गया कि आप, लेकिन जब हमने कहा कि भाई आप अन्य प्रकार के आयोजन कर सकते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है, आपको जो करना है करें, हम हमारा विश्व आदिवासी दिवस मनाएंगे। और क्यों ना मनाएं, विश्व आदिवासी दिवस आबादी के अधिकारों के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए यूएनओ ने 1982 में मीटिंग करके घोषित किया था और भारत में 1994 में जो हुआ, मैं उस व्यक्ति से चला हूँ जिन्होंने विश्व आदिवासी दिवस जो पैरवी यूएनओ में जाकर की, तो बड़े कड़े संघर्ष के साथ ही विश्व आदिवासी दिवस हमें मिला है, इसको हम छीन नहीं थे। जी सर, आपका नाम? सर मेरा नाम सुनील अस्ते।